नारी में समर्पण होना चाहिए और पुरुष में प्रेम होना चाहिए, बस। तो तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में कोई तकलीफ नहीं। नारी में समर्पण और पुरुष में प्रेम होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं। और पति पत्नी को, दोनों को जो सुखी रहना है तो दोनों को सुख को याद नहीं करना चाहिए और दुख की कभी फरियाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। चाणक्य नीति कहती है कि ये तो चक्र की तरह घूमता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। सुख को याद न करो और दुख की फरियाद न करो।